Hey everyone, welcome to Biology at Ease. तो आई होप प्री दिवाली, दिवाली, पोस्ट दिवाली सेलिब्रेशन, साथ साथ भैया दूज, ये सारे सेलिब्रेशन अब ओवर हो चुके होंगे। अगर आप उन लोगों में से हैं, मेरे मोहल्ले में रह रहे कुछ ऐसे लोग जो कि दिवाली खत्म होने के बावजूद भी अभी भी पटाखे फोड़े चले जा रहे हैं, तो आप लोगों को एक रिमाइंडर दे दूं कि भाई दिसंबर लगने वाला है, नीट के एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है, ये पटाखे अगले साल भी फोड़े जा सकते हैं, तैयारी शुरू कर दो। अगर कोई भी FB, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या फिर कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर दिवाली का कोई पोस्ट अपलोड करना रह गया था तो आज के आज कर दो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद से ही अपना रूटीन चेंज करने का वक्त आ गया है। इस वीडियो को चाहे तो एक स्ट्रैटेजी वीडियो की तरह देखिए या फिर एक मोटिवेशन वीडियो की तरह देखिए, बस आप लोगों को यह रिमाइंडर देना है कि भाई वक्त निकला चला जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि इस वक्त आप खुद के बॉस हैं, तो लेट मी करेक्ट यू, आपका सबसे बड़ा बॉस हमेशा रहेगा टाइम, जिसको आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे दोस्ती कर सकते हैं, तभी जाकर आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। दिसंबर मंथ से कैसे तैयारी करनी है ताकि बायोलॉजी सब्जेक्ट में 360 ऑन 360 स्कोर कर सके, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज जो इस साल हम लोगों ने सीखी, 2020 में एक चीज जो हमें सिखाई गई थी वो थी आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंट कैसे होना है ये हमने सीखा। तो ये आत्मनिर्भरता सिर्फ लाइफ के और बाकी चीजों में लागू नहीं होती है, आपके नीट प्रिपरेशन में भी लागू होती है। आपकी इस टाइम बैकबोन सिर्फ और सिर्फ आप है, आपको ही खुद को समझाना है, आप ही खुद की मोटिवेशनल टॉनिक है, आप ही खुद के सपोर्ट सिस्टम है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि दिसंबर महीने से अगर आप बायोलॉजी की प्रेपरेशन शुरू कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री तो रही दूर की बात, अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनको लग रहा है कि अभी तक बायो में भी सीन डगमगाया हुआ है, तो भाई सुनो, उठो और तैयारी शुरू करो। फिर ये कमेंट मत करना वीडियोस में आके कि मैम हमसे प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, 3 हफ्ते बचे हैं, कैसे तैयारी करें। मैं तो एक यूट्यूब क्रिएटर हूं एंड फ्रेंकली सेइंग मैं तो 3 वीक्स प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियोस भी अपलोड करूंगी, क्योंकि ऐसी वीडियोस की डिमांड आती है, आप इसीलिए मजबूर कर लेते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करूं, और फिर उसके बाद आप लोग ही कहते हैं कि 3 वीक्स में कहां नीट क्लियर हो पाएगा। आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं कि 3 वीक्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियो बनाओ, इसीलिए मैं बनाती हूं। जिस दिन बच्चे इतने अच्छे से तैयारी शुरू करने लग जाएंगे कि उनकी ये नौबत ही नहीं आएगी कि 3 हफ्तों में उनको सारा सिलेबस कंप्लीट करने वाली स्ट्रेटेजी सुननी है, उस दिन से ऐसी वीडियोस यूट्यूब पर आना ही बंद हो जाएगी। तो प्लीज अपने आप को उस कैटेगरी में मत आने दो कि लास्ट के 3 हफ्ते या 2 हफ्ते आप फिर सोच में पड़ जाओ कि अब क्या पढ़े ताकि नीट का एग्जाम क्रैक हो सके। इट्स अ रिमाइंडर एंड इट्स अ रिक्वेस्ट डियर लिटिल फाइटर्स एंड माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स कि नीट की तैयारी शुरू कर दो। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरे के पूरे 5 महीने हैं, लगभग 150 दिन है, 150 दिन है, आराम से प्रिपरेशन हो सकती है। बायोलॉजी सुपर इजी सब्जेक्ट है, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये मैं ना भी बोलूं तो भी आपको अच्छे से पता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में हम मान सकते हैं कि भाई आपको एक गाइड की जरूरत पड़ती है जो टाइम टू टाइम आपके डाउट्स क्लियर करते रहे, लेकिन बायो कैसा सब्जेक्ट है, सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, जो लिखा है याद करना है, नहीं समझ आ रहा है भतेर डाउट सॉल्विंग एप्स पड़ी हुई है, यूट्यूब पर इतने अच्छे अच्छे टीचर्स ने वीडियो लेक्चर्स अपलोड करे हुए हैं, कहीं से भी कुछ भी डाउट क्लियर होता है, बायोलॉजी का डाउट आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, तो क्यों प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। आप सभी के सपोर्ट की वजह से बायोलॉजी एट ईज़ चैनल इस मुकाम तक तो पहुंच गया है कि नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड किसी भी एप्लीकेशन पर, किसी भी वेबसाइट पर अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी टेस्ट सीरीज लॉन्च होती है, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, तो मुझे पता चल जाता है और मैं आप सभी को अपडेट कर देती हूं। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया भी था कि अनअकैडमी चैंपियंस लीग नाम से एक लाइव क्विज होती है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, महीने के हर वेंसडे आपकी ये लाइव क्विज होती है, 25 क्वेश्चंस आपको इस लाइव क्विज में पूछे जाते हैं। शुरू के 3 वेंसडे आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट के टेस्ट होते हैं, जैसे कि पहले वेंसडे आपका फिजिक्स का टेस्ट हो गया, नेक्स्ट वीक आपका केमिस्ट्री का टेस्ट हो गया, फिर अगले हफ्ते आपका बायोलॉजी का टेस्ट हो गया। इंडिविजुअल टेस्ट में आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 नंबर का ये पेपर होता है, 4 मार्क आपको हर करेक्ट आंसर के मिलते हैं, अगर आप टॉप रैंकर्स में आते हो तो आपको अमेजोन के वाउचर्स मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये लाइव क्विज होती है। जो 4th वेंसडे होता है महीने का, उसमें आपका कंबाइंड टेस्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, क्लास 10th तक के सिलेबस का क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आप टॉप रैंकर्स में आते हो तो अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है, साथ ही आपको अमेजोन के वाउचर्स मिलते हैं। कुछ इस तरीके से अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करते रहो, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, जिस वक्त आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है रिवाइज कर लो जितना कुछ भी आपने लिखा हुआ है, जो नोट्स आपने लिखे हुए हैं उसका क्विक रिविजन कर लो। चाहो तो मैं आपको बताती रहूंगी कि किस प्लेटफॉर्म पर क्या फ्री में इवेंट हो रहा है, उन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो। अभी इस दिवाली में अपने खूब सारे कजन से मिली और बस वो एक ही टॉपिक पे बात कर रहे थे कि ऑनलाइन गेम, तूने इस गेम में कौन सा वेपन खरीदा,
कौन सी गन खरीदी, मुझे ऐसा लगता था ये जनरेशन जा कहाँ रही है। आप ना अपने पास से एकदम डिस्ट्रैक्ट होते चले जा रहे हो और फिर बाद में पछताओगे कि पढ़ा क्यों नहीं। मैं इसीलिए चाहती हूँ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लो। उसके बाद चाहो तो मेरी इन वीडियोस को अपने हॉस्टल के रूम से बैठकर देखना और देखना कि मैं कैसे नीट 2022 के बच्चों को गाइड कर रही होंगी, और खुद पर प्राउड फील करना कि आप मेरी नीट 2022 की स्ट्रेटजी वीडियोस नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप नीट 2021 क्रैक कर चुके होंगे। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी कंप्लीट आत्मनिर्भर होने वाला सब्जेक्ट है, ये बहुत अच्छे से आप भी जानते हो। तो बायोलॉजी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी के अंदर 3 चीजों पर ध्यान दीजिएगा। पहली चीज है आपके एफर्ट्स, दूसरी चीज है रिसोर्सेज दैट यू आर यूजिंग, और तीसरी चीज है आपकी स्ट्रेटजी। अगर मैं आपके एफर्ट्स की बात करूं, स्मार्टली वर्क करना है, हार्ड वर्क तो करना ही करना है, मेहनत तो हर बच्चा करेगा, लेकिन वो मेहनत किस तरीके से करी जा रही है वो भी मैटर करती है, वो भी डिसाइड करती है कि आपके कैसे मार्क्स आने वाले हैं। स्मार्टली काम करना है, किन टॉपिक्स को कितना टाइम देते हुए पढ़ना है, किन टॉपिक्स को किस समय पढ़ना है, सुबह उठ के पढ़ो। हर किसी को पता है कि सुबह उठ के अगर आप पढ़ते हो तो चीजें जल्दी याद होती है, लेकिन नहीं, फिर भी सुबह नहीं उठना है, दिन में आपको पढ़ाई करनी है। अर्ली मॉर्निंग उठो, अर्ली मॉर्निंग नहीं उठा जा रहा है, लेट नाइट स्टडी करो जब घर में शांति है, मोहल्ले में शांति है। लेकिन अगर आपने ये एक्सक्यूज बनाया हुआ है ना कि सुबह नहीं उठा जा रहा है, ठंड बढ़ गई है, रात को देर तक नहीं पढ़ा जा रहा है, दिन में पढ़ूंगा, आप लोगों को रियलाइज नहीं हो रहा है कि आपके रिलेटिव्स वो फोन हाथ में लेकर बैठे हुए हैं कि कब इसका नेट का रिजल्ट आए, और कैसे मैं इसकी आग में घी डालते हुए बोलूं कि बेटा कितना रिजल्ट आया, और फिर तुम रोते हुए बोलो कि हाँ मेरे इतने रिजल्ट आए, और फिर बोलोगे कि बहुत शर्मिंदा हूं, प्रिपरेशन नहीं हो पाई। 5 महीने अच्छे से यूटिलाइज कर लो और सबके मुंह पर ताला लगा लो। ये बायोलॉजी सब्जेक्ट आपको बहुत टॉप रैंकर्स की लिस्ट में भी लेकर जा सकता है, आप अच्छे तरीके से जानते हो। तो आपके एफर्ट्स में स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क एंड योर डेडिकेशन, ये तीनों चीजें मैटर करती है। ऐसा नहीं कि आज इस वीडियो को देखने के बाद 5-6 घंटे पढ़ा और कल सब फुस। रिसोर्सेज की बात करूं तो हर वीडियो में आप लोगों को बोल रही हूं, एनसीईआरटी करो। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस रीड कर लो एनसीईआरटी से, लेकिन एनसीईआरटी बिल्कुल भी मत छोड़ना। दूसरी चीज, हमेशा हर बार कह रही हूं कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको उसी टाइम पता चलते रहे। इस भरोसे मत रहो कि मैं फुल सिलेबस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा। फुल सिलेबस का क्वेश्चन पेपर तो भाई मार्च अप्रैल में सॉल्व करना है, जब आपका 70-80% सिलेबस हो चुका होगा। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। रिसोर्सेज में 4 चीजें मस्ट है, एनसीईआरटी, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक, प्रीवियस 10 ईयर्स का पूरा पूरा पेपर जिसको आप मार्च और अप्रैल के महीने में 3 घंटे रखते हुए सॉल्व करेंगे, और चौथी चीज है मिनिमम 2 या 3 सैंपल पेपर्स तो करने ही करने हैं। इस भरोसे मत रहना कि 300+ 320-330 मार्क्स भी आ गए तो भी मेरे अच्छा रैंक आ जाएगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। इस साल आप लोगों को भी पता है कि लॉकडाउन की वजह से काफी ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने बहुत तगड़ी मेहनत करी थी, लेकिन कुछ नंबर से उन्हें MBBS मिलने से रह गया है, और वो नीट 2021 भी देंगे। एक एक सीट के लिए जो जंग छिड़ने वाली है ना इस बार, इसका अंदाजा आपको बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैं पहले ही वॉर्न कर रही हूँ, प्रेपरेशन शुरू कर लो। और बायोलॉजी आपका सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत, सबसे स्ट्रांग वेपन है। इसको आप, चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, फिर भी आप बायोलॉजी में 360/360 स्कोर कर सकते हो। चाहे आपने कोई कोचिंग अटेंड करी है, चाहे नहीं करी है, सेल्फ स्टडी से भी बायोलॉजी आराम से हो सकती है। तो इन चारों रिसोर्सेज का यूज अच्छे से करना। तीसरी चीज आती है आपकी स्ट्रेटजी। आपकी स्ट्रेटजी में मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, डेली का टारगेट चार्ट बनाते हुए प्रेपरेशन करना। ऐसे नहीं कि सुबह सुबह 5 बजे उठ तो गए पर 5 से 5:30 बस यही सोच रहे हो कि क्या टॉपिक पढ़ूं बायो का, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिन शुरू होने से पहले ही आपके पास लिस्ट रेडी होनी चाहिए। रात को सोने से पहले लिस्ट बना के रखो कि अगले दिन मुझे बायोलॉजी के ये टॉपिक कंप्लीट करने ही करने हैं। आपके पास एक टारगेट लिस्ट होनी चाहिए जिसमें आपने लिखा होगा कि दिसंबर मंथ में मुझे बायोलॉजी के ये चैप्टर्स करने हैं। उसमें से भी वीकली टारगेट्स निकालो कि इस वीक बायोलॉजी के ये टॉपिक्स करने हैं। उस वीकली टारगेट में से भी डेली टारगेट्स निकालो कि आज के दिन मुझे बायोलॉजी के ये पर्टिकुलर टॉपिक्स करने हैं, इन टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। इस तरीके से प्रिपरेशन होगी, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपके बगल वाले घर में अगर कोई नीट एस्पिरेंट है तो वो कितने अच्छे से तैयारी कर रहा है। स्कूल लेवल एग्जाम में मैं हमेशा कहती हूँ कि यार आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान रखो, आपके नंबर आपके हैं, यहाँ पर किसी सीट के लिए फाइट नहीं हो रही है। लेकिन MBBS में तो भाई एक एक सीट की लड़ाई है, इसीलिए इसका नाम कॉम्पिटेटिव
कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, एक बच्चे का दूसरे बच्चे से कॉम्पिटिशन हो रहा है, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, आपका नेबर हो, आपका बेस्ट फ्रेंड हो, तो इस टाइम पर यारी, दोस्ती, फ्रेंडशिप, ये इंस्टाग्राम के फ्रेंड्स, आपके ऑनलाइन गेम्स के फ्रेंड्स, ये सब चीजें थोड़ी देर के लिए साइड कर लेना। 5 महीने बाद जब मेडिकल कॉलेज में चले जाओगी, फिर दोस्ती, यारी, रिलेशनशिप सब तब भी आएगा, लेकिन इस वक्त आपका करियर बनाने वाला टाइम है। बहुत लोगों को अपनी नजर में ऊंचा उठना है, बहुत लोगों को अपने परिवार वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। ये 5 महीने अच्छे से यूटिलाइज कर लो, बायोलॉजी को सुपर स्ट्रॉन्ग कर लो, कहीं भी आपके 360 नंबर नहीं जाने वाले हैं। तो बायोलॉजी की दिसंबर मंथ से प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी यही कहती है कि हार्ड वर्क करो, स्मार्टली वर्क करो, डेडिकेटेड रहो, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी एकदम ऐसे पढ़ लो जैसे बचपन की वो एबीसीडी याद हो रखी है ना, वैसी एनसीईआरटी की एक एक लाइन रटी पड़ी होनी चाहिए, एक एक डायग्राम, डायग्राम की लेबलिंग, हर चीज अच्छे से करनी है। साथ ही आपकी प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी में मंथली, वीकली, डेली टारगेट चार्ट होना चाहिए। और एक और बात मैं आप सभी से क्लियर कर दूं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट आपका फर्स्ट रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट भी होता है। दो बच्चे जिनके नीट के एग्जाम में सेम नंबर है, उनमें से बायोलॉजी में जिसके ज्यादा मार्क्स है उसको ज्यादा अच्छी रैंक मिलती है। तो बायोलॉजी पे बहुत अच्छे से वर्क करना है, एनसीईआरटी को जितने बार हो सके अच्छे से पढ़ के जाना है। दिसंबर से मई तक अगर हम टाइम लेकर चलें तो एनसीईआरटी मिनिमम 3 बार हो जानी चाहिए, और ये पॉसिबल है अगर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट है तब भी। इसीलिए बायोलॉजी को सुपर स्ट्रॉन्ग करो, एनसीईआरटी रट डालो, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, फुल सिलेबस जो आपका पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है, मिनिमम 10 ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाने हैं, मिनिमम 3 सैंपल पेपर करके जाने हैं, रूटीन बनाते हुए पढ़ो। सुबह पढ़ना है, सुबह उठ के 5 बजे उठ के पढ़ना है। बायोलॉजी का सबसे अच्छा टाइम है कि सुबह सुबह पढ़ो, इजी सब्जेक्ट होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, सुबह उठ के पढ़ाई करो। फॉर दिस वीडियो आई वॉन्ट यू ऑल टू प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो ऑन दिस वीडियो, आई विल स्कोर 350+ इन बायोलॉजी नीट 2021, मेंशन इट इन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, आई विल स्कोर 350+ इन बायोलॉजी नीट 2021, ऑल द वेरी बेस्ट। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे मुझे वीडियो अपलोड करनी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना आई विल स्कोर 350+ इन बायोलॉजी नीट 2021, ऑल द वेरी बेस्ट। दिसंबर महीने से लेकर अप्रैल तक आपकी प्रेपरेशन सुपर स्ट्रांग हो, ये बायोलॉजी सब्जेक्ट आपको टॉप रैंकर्स में लेकर जाए और नीट 2021 क्रैक करके आपके डॉक्टर बनने का सपना जरूर पूरा करे। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर लिटिल फाइटर्स, थैंक यू सो मच watching this video, and if you like it, make sure to hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.